बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, जनरल बाजवा जनरल फैज की इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान साहब को बताया गया कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर भारत को जवाब देने के लिए एक ख़तरनाक किस्म की पोजिशन पर पहुँच चुका है। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान की पीठ में बड़ा छुरा घोंप दिया। यूएई ने बड़ी स्टेटमेंट दी। यूएई की जानिब से कहा गया कि भारत के साथ लड़ाई पाकिस्तान का मसला है, हमारा नहीं। इसके अलावा इसराइल ने भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमले का हुक्म जारी कर दिया और इसके अलावा स्पाइस 2000 मिसाइलों की डिलीवरी पहुँचा दी। इस वीडियो में आपको तीन खतरनाक किस्म की खबरें बताएंगे, जो यकीनी तौर पर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएंगी कि पाकिस्तान को फंसाने के लिए दुबई ने पाकिस्तान के साथ क्या दगा किया, इमरान खान को क्या ब्रीफिंग दी गई और इसराइल ने जो स्पाइस 2000 की डिलीवरी फौरी तौर पर भारत के अंदर पहुंचाई है और इसराइल ने भारत को क्या हुक्म दिया। यकीनी तौर पर ये खबर सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो के मजीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनरल फैज और जनरल बाजवा की जानिब से इमरान खान को क्या ब्रीफिंग दी गई है, कौन से अंदरूनी मामलात बताए गए हैं। फिर आपको बताएंगे कि यूएई ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा कैसे घोंपा और फिर वीडियो के एंड पर आपको बताएंगे कि इसराइल ने कौन से ख़तरनाक किस्म के मिज़ाइल भारत को दे दिए और भारत को हुक्म दिया कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाओ। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात में जाते हुए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग हुई है जिसमें जनरल बाजवा ने और जनरल फैज साहब ने इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी है। भारत जारियत करे तो तीन गुना उनका नुकसान करो, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज को हुक्म दे दिया। जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने इमरान खान साहब को कहा कि भारत मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार है और याद रखे कि भारत की जानिब से ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। इमरान खान साहब का ये रवैया इससे पहले देखने को नहीं मिला था। इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर भारत की जानिब से जारियत हो तो उनका तीन गुना ज़्यादा नुकसान करो, अगर उनका एक जहाज़ पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होते हैं तो उसको गिराओ और 10 जहाज उनकी हदूद में भेजो, वो पाकिस्तान की एक चौकी को तबाह करते हैं तो आप उनकी तीन चौकियों को तबाह करें। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कशीदगी का लेवल कितनी हद तक बढ़ चुका है। नज़रे ग्रामी, इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुबई की जानिब से यानी कि यूएई की जानिब से पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया गया। इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान के साथ बड़ा धोखा कर दिया। अपने तजारती और सफारती मफादात को देखते हुए भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। यूएई ने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो ये पाकिस्तान का मसला है, हमारा नहीं है। पाकिस्तान की मदद करने से यूएई ने इनकार कर दिया है और इसके अलावा यूएई की जानिब से ऐलान किया गया कि हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि हम भारत की मदद करेंगे। यूएई का 60 राफेल तैयारे खरीदने का फैसला सामने आया है। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर है ये कि जंग हुई तो राफेल तैयारे वो तमाम के तमाम भारत की मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दुबई और भारत की जानिब यानी कि यूएई और इंडिया के अंदरूनी मामलात में ये डील हो गई है। अब यूएई 60 राफेल तैयारे खरीदने जा रहा है और वह तमाम तैयारे फौरी तौर पर भारत में पहुंचाए जाएंगे अगर पाकिस्तान और भारत के मामलात ख़राब होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, देखें कि पाकिस्तान इतने ख़तरनाक मामलात में तन्हा हो गया है, यानी कि कोई इस्लामी मुल्क तुर्की ईरान के अलावा पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, सिर्फ और सिर्फ चीन और तुर्की और इसके अलावा ईरान और रूस के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क इस वक्त इस मुश्किल हालात में नहीं खड़ा है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इसराइल ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की इंतहा कर दी है। इसराइल ने भारत को स्पाइस 2000 मिसाइलों की डिलीवरी कर दी है और इसके अलावा मोदी को कहा है कि मोदी चढ़ दौड़ो पाकिस्तान के ऊपर।
एक बड़ा मार्का किसी भी वक्त तैयार हो सकता है। मोदी की जानिब से अब प्लान किया जा रहा है कि अन करीब एक पूजा की जाए, उस पूजा में पाकिस्तान के खिलाफ हमले का एक मूरत निकाला जाए, वो मूरत निकाल कर मुकम्मल तौर पर अपनी एयरफोर्स अपनी ज़मीनी फोर्सेस को हुक्म जारी किया जाए, उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला करें। नजरी ग्रामी भारत इस बात से बिल्कुल बाखबर है कि पाकिस्तान के पास क्या कुछ मौजूद है और हम हमला करेंगे तो उसका नुकसान कितनी हद तक हो सकता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ अगर इकदाम करेंगे तो रिप्लाई बड़ा ही सख्त आएगा, लेकिन मोदी खुद कह चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए मेरे ऊपर बड़े पैमाने पर जो है प्रेशर है, और वो प्रेशर है अमरीका और इसराइल का। अब अमरीका और इसराइल के अलावा भी भारत की आवाम का, भारत की एस्टेब्लिशमेंट का और भारत की पोजीशन का भी बड़ा प्रेशर है मोदी के ऊपर, क्योंकि राफेल नहीं थी तो ये कह रहे थे कि राफेल आएंगे तो हम इकदाम करेंगे। अब देखिए चीन ने जो कर दिया है उसका गुस्सा भी इन्होंने निकालना है, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी इन्होंने हमला करना था, जो प्लान इनका नाकाम हो गया। अब एक तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज ने इमरान खान साहब को ख़तरनाक किस्म की ब्रीफिंग दी है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर भी तीनों अफवाज के सरबरान ने मोदी को ब्रीफिंग दी है। दोनों अतराफ में खुफिया तौर पर मीटिंग्स हो रही हैं, दोनों अतराफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। अब भारत के अंदर ब्रीफिंग हो रही है कि हम पाकिस्तान के किस एरिया के ऊपर एक कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करें या उनका जहाज कैसे गिराएं और दुनिया को एक मरतबा फिर डाइवर्ट कर दें पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के ऊपर। तो दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नाज़रीन क्रामी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की फौजें मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। पिछले दो मंथ से पाकिस्तान की तीनों अफवाज को हाई अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा चीन की जानिब से भारत को ख़तरनाक किस्म के नतज की धमकी दे दी गई है। चीन ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की तरफ की जाने वाला कोई भी हमला चीन के ऊपर हमला साबित होगा। पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया तो दूसरी जानिब चीन ख़तरनाक किस्म का हमला भारत के ऊपर कर देगा। अरुणाचल प्रदेश के सामने चीन की फौजें पहुंच चुकी हैं। अगला निशाना चीन का अरुणाचल प्रदेश। इन सर्दियों में कई इलाके मजीद फतह करने का चीन का प्लान भारत के सामने आते ही भारत में खलबली मच गई है। प्यारे दोस्तों, अब सूरत हाल इतने हद तक ख़राब है कि किसी भी वक्त जंग का आगाज तो हो सकता है, लेकिन हकीकत टीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम भारत को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान पीस पर बिलीव करता है तो इस मरतबा पाकिस्तान आपको साबित करेगा कि आप अगर पाकिस्तान का एक गुना नुकसान करेंगे तो आपका 10 गुना नुकसान होगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।